खुशामदीद नाज़रीन। जलपली म्युनिसिपल के वार्ड नंबर 25 के टीआरएस उम्मीदवार के नुमाइंदे जनाब अहमद जावरी ने वार्ड नंबर 25 के इलाके बिलाल नगर, अली नगर और दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर वार्ड नंबर 25 से टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की गुजारिश की। इस मौके पर आवाम ने उनसे इलाके की खस्ता हालत की शिकायत की, जिस पर अहमद जाबरी ने यह तयखुन दिया कि उनके उम्मीदवार के जीतने के बाद वो बस्ती के सारे मसाइल हल कर देंगे। क्या डर लगा देखो एमएलए को बोल के करा सकते हैं, करा सकते एक दिन आ रहा दो बाटा ना उठा के लेकर आना पड़ा। मैं इंशाल्लाह आपको पानी मीठे पानी की जिम्मेदारी मेरी, मैं आपके सामने वादा करूं। यस भाई इंशाल्लाह वो ये इलेक्शन होने नहीं नहीं भाई होने के बाद अभी अरे बोले बोले क्या तकलीफ है बोलने तो आप बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं आप बोल सकते हैं आपकी जो तकलीफ है हमारे को 25 साल हो गए शाहीन नगर में आके साला कौन सी गली में सही कुछ नहीं है। अब यहाँ तो जो नहीं है वो मालूम खा ले रहे हैं बैठे खा ले रहे बैठे रहे हर साल पाँच साल में वैसे कर रहा कौन करेगा रोड पड़ी ना अब नहीं होगा। मैं अक्रम बोला मैडम आए थे वो दो मामला दर्रा मेरे को बुलाना मैडम इस पार्ट पे आप ये रोड सेंक्शन कर रहे थे अहमद भाई थे अहमद भाई की बीवी आ रहे थे पानी यहाँ तक था तो नहीं पाइप लाइन तो बाद में पाशा था लाइस वैसी बात नहीं है। ये जो है रोड की बात करो रोड वो पड़े वक्त में ये रोड भी स्पॉट पे सेंक्शन करी बिचारी बीता रेड्डी पैसे खा गए छोड़ा एमएलए करे बोलो भाई वो खाए क्या मेरे तो उसका है लेकिन क्या है बोलना बता वो कई कोई की रोड जो एरिया में सेंक्शन बजट वाला और वहाँ पे भी इधर का मैडम आगे एक रोड ने मारे काम हुआ कितना परेशान है आपको मालूम है ना नहीं साहब मैडम को लाने की जिम्मेदारी मेरी है आगे मेरे को जिम्मेदार बना के आगे भेजाओ इंशाल्लाह लाने की जिम्मेदारी जब से ठहरे हैं भैया आइन का पूरी बस्ती का मसला है इंशाल्लाह ये दवा दे रहा हूँ इंशाल्लाह ये दवा दे रहा हूँ पानी का आने के बाद में इंशाल्लाह मेरे हाथ में रहेगा। क्या हुआ बोलता हूँ चुच्चा से वाल खोलने लगाऊंगा क्या बात है क्या बात है बोला अभी तक नहीं करे मैं करा तो भाई उधर का वाल डला है मैं जब जाके बोला भी क्या भाई क्या बोला बोलो हम भी बस्ती के आप जैसे घर वाले हैं मैं भी वैसे घर वाला हूँ यही बस्ती का हूँ आपको जितनी तकलीफ है मेरे को उतनी तकलीफ है वो बेस के वास्ते जो है ना मैं यहाँ पे खड़ा कि भाई बाहर वाले को सुनाने से बेहतर है घर का आदमी काम करके देख रहा इस वक्त आपका ने भी होती है इस वक्त आपका भी होती है वही तो बता रहे आप मेरी बात सुनिए आप अगर यहाँ का आदमी गैंग जीते हुआ रहा तो उन्हें कचरा देखता रोज उसको भी शर्म आती कराता का अब बाहर वाले को और डालेंगे मोहम्मद नगर वाले को जैसा आम का झाड़ लगा के आप उसके ऊपर से जाम तोड़ के खाऊंगी बोले तो नहीं मिलेगा आप किसी भी एक हो गए आप नहीं नहीं आप पूछेंगे तो बोलिए आप अगर वो बोले तो उसके हाँ तो फिर हम नए लोग खड़े हम बोल रहे हमारे को मालूम है उन्होंने कुछ भी पाँच साल में नहीं करे काम अब ये साल में हम करके बताएंगे बोल के हमारे। इस दौरे में कुछ लोगों ने जनाब अहमद जाबरी का वालिहन इस्तकबाल किया और उनकी गली में जनाब अहमद जाबरी की आमद पर मसरत का इजहार किया। साथ ही साथ आवाम ने यह तयखुन दिया कि उनका वोट टीआरएस के लिए रिजर्व है। पहले भी इलेक्शन में जो है मौका नहीं था अभी जो है मौका मिला पहले पूछ लो वादा करे आपको इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा एक बार चाह कीजिए आप अरे कोई मौका मिलना चाहिए तो पहले बोलिए हमको ये पार्टी ये तो हमको साथ दी क्या बोलिए मालूम मेरे दो बच्चों को पैसे और शादी के पैसे दिया तो किसको डालते वोट मेरे खानदान में नहीं दिए मैं वोट और भी भाई दे अपने को जो है ना ये पार्टी हमें इस दौरे में ये महसूस हुआ कि आवाम साबिका एमपीटीसी से बदजन हो चुकी है क्योंकि उन्होंने इलाके में कुछ काम नहीं करवाया है। अब देखना यह है कि इलाके के बुनियादी मसाइल से घिरी हुई आवाम टीआरएस उम्मीदवार को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाती है या नहीं। देखते हैं इस दौरे की कुछ झलके और सुनते हैं अहमद जाबरी का बयान। भाई आज जो है ना हम आज पैदल दौरा करें टीआरएस की तरफ से जो है ना हर डोर टू डोर जाकर जो है ना हमारे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला पब्लिक से और जो है ना इंशाल्लाह हम पूरे कॉलोनी जितने भी है हमारे मीनार कॉलोनी और बिलाल कॉलोनी अली नगर जमील कॉलोनी मदीना कॉलोनी
और वादी महमूद पूरे हर घर को डोर टू डोर जाकर जो है ना हम कैनवेजिंग करे। माशाल्लाह हमको जो है ना हर घर से जो है ना हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह चाह तो हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और जो भी हम जो वादे करे हैं आवाम से इंशाल्लाह हम पूरे करेंगे इंशाल्लाह। कितने बजे स्टार्ट करें आप दौरा? ये दौरा जो है ना सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक है दौरा है इंशाल्लाह। पूरा कंटिन्यू में है अभी जो है ना ये न्यू मोहम्मद नगर से होते हुए हम जो सो बिलाल कॉलोनी में आए। हमने देखा कि लोग आपसे शिकायत बोलते हुए नजर आए कि रोड नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। होता है पूरे अपने अपने जो है ना मसले मसाइल जो भी थे वो लोगों की जो जो प्रॉब्लम्स है वो भी बताए। खम्भों का जो है ना लाइट के खम्भे भी जो है ना बाजू में जो है ना एक खम्भा टेढ़ा हो गया, बच्चे छोटे बच्चे है गिर जाएंगे बोल के वो भी बताए। जमील कॉलोनी में नाला जो है ना पूरी गंदगी भर के घरों में आ जा रही वो भी बताए। तो अब क्या पब्लिक से वोट अपील? पब्लिक से यही वोट अपील करने का मतलब यही है कि भाई हमारे कैंडिडेट को जो है ना जिता के लाने के बाद में जो है ना इंशाल्लाह हम जो वादे करे हुए हैं इंशाल्लाह हम पूरे करेंगे पूरा काम करा के देंगे। एक हर आदमी को एक चांस दीजिए, एक बार चांस दे के देखिए गवर्नमेंट है। अपने को MLA भी अपना ही है, यही पार्टी का है, MP भी यही पार्टी का है, इंशाल्लाह हमारा काम करेंगे। TRS को एक बार मौका दो इंशाल्लाह जो है ना आपके जो भी मसले हैं काम करेंगे। नहीं नहीं आप एक मिनट एक चांस दीजिए। हाँ बोलो। इससे पहले जो है ना अपन MIM पर जमात के दिए थे जो उन्होंने क्या 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 आपने डेवलपमेंट लाया बताइए। आपके जो है ना हमारे MLA भी अब के हमारे हैं, MP भी हमारे हैं, अगर काउंसलर भी हमारे रहेंगे तो जो है ना अपने को ज्यादा से ज्यादा बजट भी देगा और कामों का डेवलपमेंट होगा, जितने भी काम है पूरे होंगे। तो बोलो तो खाली है कि एक आदमी दूसरी पार्टी का, एक आदमी दूसरी पार्टी का होने से अपने को काम नहीं होता। इंशाल्लाह आप एक मौका देखिए इंशाल्लाह आपका काम बराबर कराएंगे। वादा करे भाई फिर भी कैंडिडेट आके मिलाना है। मौका नहीं मिलता एक 5 साल का दिए थे कुछ नहीं हुआ, ये साल जो अहमद भाई को मौका देखे देखो हर किसी को चांस दिए, अब अहमद भाई को भी चांस दीजिए। एक मौका देके देखो आपको जो मुनासिब